अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक है, मजे में, खुश हैं। अभी मैं और मेरा बेटा बैठ के बातें कर रहे थे, मजे मजे की, और एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज वीकेंड नाइट है। तो वीकेंड नाइट में ना मैं और मेरा बेटा बैठ के ना लंबी देर बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। कभी मैं और मेरा बेटा बैठ के मूवीज़ भी देखते हैं। क्यों इब्राहिम, ऐसा ही है ना? यस, हम मूवीज़ भी देखते हैं कभी जो इब्राहिम की पसंद की होती हैं, और कभी कार्ड्स भी खेल लेते हैं, कभी कोई और गेम इसके साथ में खेल लेता हूँ जो इसकी फेवरेट्स होती हैं, और चिल करते हैं। तो अभी ना ये मुझे कह रहा था कि बाबा आज ना मुझे कहीं बाहर लेके जाए, आउटिंग करते हैं, वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं। मैं बाबा घर में बोर हूँ, इसलिए कहीं चलते हैं आउटिंग, कहीं जलेबी हो, बस इस तरह ही कहाँ चले? मज़े चिल करते हैं। बस कहीं इस्लामाबाद, जहाँ भी कहीं चलते हैं, जलेबी हो, गुलाब जामुन हो और दूध जलेबी हो। लिसन टू हिम एंड जलेबी और इस्लामाबाद हो। सोचें 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 कहाँ चलें, कहाँ चलें, कहाँ चलें। भाई मेरे दिन में तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा। कहीं भी यहाँ सामने चले। कहीं चलें? हाँ जी, कहीं भी आपकी मर्जी से। यस चलें जी। मेरे जहन में एक आइडिया आ चुका है। अभी एक बहुत ही प्यारी जगह है इस्लामाबाद में, F7 में, आउटिंग के लिए, इंटरटेनमेंट, उनका एटमॉस्फेयर, बाहर की बैठने की जो लोकेशंस, और मतलब बहुत ही ना यूनिक्स और डिफरेंट सा बनाया हुआ है। तो मैं पहले भी 2 दफ़ा अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गया हूँ, लेकिन इब्राहिम को नहीं लेके गया। तो आज मैं इब्राहिम को वहाँ लेके जाता हूँ और मज़ा करता हूँ। और ऐसा करता हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, कज़न्स फारिया और रियान, उनको भी साथ लेके जाऊँ। ठीक है, चलें जी। उनको मैं कॉल करता हूँ और उनको मैं फ़ोन करते हैं कि वो भी तैयार हो के आ जाएं, फिर इकट्ठे चलते हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, ठीक चलें। है। ठीक है जी, हम तैयार होते हैं और अब आपसे मुलाकात होती है। रास्ते में कर लेते हैं कहीं पे, या फिर वहाँ पहुँच पे आपको चाय ओ क्लॉक, जो जगह का नाम है वो भी मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया, चाय ओ क्लॉक, अमेजिंग। अगर आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं और आपको कहीं बाहर लेट नाइट आउटिंग पे जाना है, तो आप उस जगह को F7 में फ्लावर मार्केट के अपोजिट पे है, बहुत ही मज़े की और यूनिक जगह है। और सबसे मज़े की बात है कि वो लेट नाइट तक ओपन होती है, ऑलमोस्ट विंटर में भी वो तकरीबन 2 AM तक जो है ना वो ओपन होता है। ऑफिशियली उन्होंने अपने ब्रोशर्स पे लिखा हुआ, लेकिन 2 AM से भी लेट होता है कि अगर गेस्ट बैठे हुए हैं तो वो 2:33 AM तक भी बैठा हुआ, लेकिन बहुत मज़ा आता है। सर्दियों में मैं पहले भी गया हूँ, वो है, हीटर का इंतज़ाम भी होता है, और बड़ी ना ज़बरदस्त सी जगह है। तो मतलब वहाँ से जब बैठें तो उठने का दिल नहीं करता है। तो चलें, फिर मुलाकात होती है आपकी हमारे साथ चाय ओ क्लाक पे। ठीक है। बस छोटे होते हुए वो इस तरह बड़े लोगों में हमला नहीं करते। जाते हैं और मजा आता है वहाँ पे। गरम गरम कपड़े पहने हुए हैं। गरम गरम कपड़े। बहुत सर्दी है। सर्दी है? बहुत नहीं सर्दी। मैंने सिर्फ वन हाँ। सर्दी है? मैंने इब्राहिम ठंड तो नहीं लग रही? मैंने ठंड लग रही है? मैंने सिर्फ एक राउंड नेक पहनी हुई और ऊपर शर्ट, इसलिए। यस, फाइनली हम चाय क्लॉक पे पहुंच चुके हैं। बच्चों तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मजा आ रहा है? गुजू क्या बोले ना, गुजू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुजू को बहुत मजा आ रहा है। बहुत जबरदस्त माहौल है और इस टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 11:20 हो रहे हैं और हाउस पूरा फुल,
सीट्स अवेलेबल नहीं है, ये भी कस्टमर्स को जो है ना लेफ्ट राइट करके वाला टेबल दी गया। कोशिश तो थी कि बाहर बैठने, लेकिन बाहर जो ओपन ही है वहाँ पे अभी बिल्कुल कोई भी टेबल। ये इनका मेन्यू है, चाय, कॉफी, कोल्ड कॉफी, शरबत, मशरूम, मोकटेल और आइसक्रीम, और ये बैग से इनके बास्केट, पराठा, सैंडविच, चाट, समोसा, मीठा में क्या है भाई, मीठा में है हॉट गुलाब जामुन, मीठा में है गलगित्ती शाही टुकड़े, दाल हलवा, जलेबी, वॉलनट हलवा, शाही बादामी खीर, जीटी रोड रस मलाई, जीटी रोड रस मलाई, दूध जलेबी, गुलाब जामुन, वनीला कहरी आइसक्रीम, गाजर का हलवा, गर्मा गर्म जलेबी और इसके साथ ही एक गुलाब जामुन। और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और इंजॉय करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा लगा, फिर बच्चों से पूछेंगे कि इनको कैसा लगा। कैसा लग रहा है वैसे, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है जी टेस्ट वाइज, मजे के शक्ल से अच्छे है ना, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मजे के। बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है जो है, इस तरह कभी रात में बैठ के चाय के साथ फैमिली के साथ नहीं खाई। आई थिंक न्यू एडिशन बट गुड एडिशन। कैसा लग रहा है? मजे के टेस्ट है, इसको आप क्लास में ट्राई कीजिएगा। मैं तो तकरीबन समझिए कि जब भी कभी मौका मिलता है तो रात को दोस्तों के साथ जब भी यहाँ पे लाजमी आते हैं और इन्जॉय करते हैं, बहुत मज़े के लेवल है। किया हुआ टाइम स्पेंड करने का अपना ही एक मज़ा होता है, और ज़िंदगी ने वफा की उस से बरकरार रही। तो फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा ने के बाद।